5 अगस्त 2024 इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ है जिसे बांग्लादेश लंबे समय तक याद रखेगा। ये वही तारीख है जब भारी प्रोटेस्ट के आगे शेख हसीना की ताकत कम पड़ गई। ये वही तारीख है जब बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। भारी उथल पुथल के बीच 5 अगस्त को ही खबर आई कि शेख हसीना सुरक्षित जगह जाने के लिए निकल गईं। उधर शेख हसीना के आवास पर जमकर बवाल देखने को मिला। वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। खबरें आईं कि प्रदर्शनकारियों ने वहां से सामान लूटा और हसीना के सत्ता से हटने का जश्न मनाया। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की तस्वीरें भी सामने आईं। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ इतना गुस्सा कैसे फूट पड़ा? बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले मुख्य विवाद उस प्रावधान को लेकर भड़का था जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लड़ाकों के संबंधियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस दौरान देश में भारी हिंसा भड़क उठी थी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि युद्ध नायकों से जुड़ा कोटा घटाकर 5% किया जाना चाहिए और 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए। फैसले में बाकी 2% आरक्षण का प्रावधान जातीय अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर और विकलांग लोगों के लिए किया गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने हिंसा के लिए जवाबदेही की मांग जारी रखी, जिसके लिए उन्होंने सरकार के बल प्रयोग को जिम्मेदार बताया। एपी के मुताबिक हसीना ने 3 अगस्त को छात्र नेताओं के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर ने इसे इनकार कर दिया और हसीना के इस्तीफे की मांग की। इस बीच 4 अगस्त को बांग्लादेश में फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जब सत्ता विरोधी प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से टैक्स और यूटिलिटी बिल ना देने और काम रोकने जैसी गतिविधियों का अनुरोध किया। सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इन प्रदर्शनकारियों का विरोध किया और उनके बीच झड़पें हो गईं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 अगस्त को भड़की हिंसा में 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई। इससे कुछ दिन पहले हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 5 अगस्त को भी बांग्लादेश में हिंसा हुई जब प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च टू ढाका के लिए जुटे। इस दौरान भी लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई। इस बीच अचानक अपुष्ट खबरें आने लगी कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। फिर सेना प्रमुख मीडिया के सामने आए और उन्होंने हसीना के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि अब अंतरिम सरकार देश चलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी।